अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इत्सा मकसूद और आप देख रहे हैं स्काई रिलेटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के इस बरकतों वाले महीने में खूब नेकियां कमा रहे होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए नए से नए प्रोजेक्ट की वीडियोस लेके आता रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, कभी कभी गाहे बगाहे लाइव साइट पर जाकर भी उन प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बनाता रहा हूँ। आज फिर एक पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसकी आपको मैं कंस्ट्रक्शन अप की अपडेट्स दूंगा और बताऊँगा कि उसका काम की कहाँ तक हो चुका है और किस लिमिट तक वो काम कंप्लीट कर देंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़ल मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग को, आज के इस प्रोजेक्ट को। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसेज। तो सबसे पहले नाज़रीन, इसकी लोकेशन की बात बार बार मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा क्योंकि इसकी लोकेशन इस प्रोजेक्ट को तमाम प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ बनाती है। मेन डायमंड रोड के ऊपर जहां से डेली की लाख से डेढ़ लाख गाड़ी की ट्रांसपोर्ट डेली होती है, इस हजूम बड़े रस्ते के ऊपर बनने जा रही है द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसेज की बिल्डिंग। जी हाँ, तो नाज़रीन लेक सिटी एक जाना पहचाना सोसाइटी का नाम है। लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अगर आप देखें तो वहां पर आपको अल्कबीर टाउन फेज 2 का गेट नंबर 3 देखने को मिलता है। जिना एवेन्यू कमर्शियल के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आपको ये सोसाइटी देखने को मिलती है। इस बिल्ड की अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आप इसकी फ्रंट एलिवेशन देख सकें तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग की वजह से डायमंड रोड को चार चांद लग गए हैं। ये बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तमीराती कमाल का एक ऐसा शाहकार और एक ऐसा मुंह बोलता सबूत होगा जो आने वाले वक्त में इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो कमिटमेंट और जो वादे हमने अपने क्लाइंट्स के साथ किए हैं उनके ऊपर पूरा भी उतरे हैं। अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं इसके डेवलपर्स के बारे में। नाज़रीन, अगर बात कर लीजिए इसके डेवलपर्स के बारे में तो BH01 ब्रदर डेवलपर इसके इसको जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री की बात कर लीजिए तो बहरिया टाउन के अंदर इन्होंने BH01 के नाम से एक हाइट लॉन्च की। जब उसको लॉन्च किया गया तब उसका रेट 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था और आज जब उसकी पोजेशन टाइम से पहले दे दी है वहां पर इस टाइम 22,000 to 23,000 पर स्क्वायर फीट रेट है और लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर रहे। एक नई उम्मीद, एक नए अजम के साथ ब्रदर डेवलपर्स ने मेन रायमंड रोड के ऊपर लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर वाकया इस बिल्डिंग का इनकार किया। और इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती ये है कि ये पहली मेन रायमंड रोड की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली है। दूसरी बात जो इस बिल्डिंग को दूसरी तमाम बिल्डिंग से यूनिक बनाती है वो ये है कि पहली दफा पाकिस्तान में आपको 5D एनिमेशन जो स्क्रीन है इसकी फ्रंट एलिवेशन के बाहर आपको नसब होती हुई नजर आएगी, जैसा कि आपने इससे पहले सिर्फ चाइना में या अब्रॉड या सिर्फ मूवीज में देखा होगा। अब अगर हम थोड़ा सा बिल्डिंग के ओवरव्यू की तरफ आते हैं तो टोटल एरिया की बात की जाए तो नाज़रीन 5 कनाल इसका टोटल एरिया है। कवर्ड एरिया की बात की जाए तो 2.64 कनाल इसका कवर्ड एरिया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो ऑब्वियस ही बात है इसके लिए पार्किंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो जो बाकी एरिया 2.64 कनाल से बाकी जो एरिया बनता है ऑलमोस्ट 2.44 कनाल वो डेडिकेट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए। अब अगर बिल्डिंग के लेआउट की बात करें तो नाज़रीन इसका जो बेसमेंट है उसको टोटली डेडिकेट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ IT के रिलेटेड। यहाँ पर आपको शॉप्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज और IT के रिलेटेड जितनी भी तमाम एसेसरीज की दुकान होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको एक और चीज सबसे बड़ी मजे की चीज बताता चलूँ, डायमंड जो सिटी डायमंड है वहां से लेकर ठोकर तक आपको कोई भी ऐसा कमर्शियल IT का हब नहीं देखने को मिलता। पहली दफा जो ये हब है इंट्रोड्यूस करवाया है दिस स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसेज ने। अब अगर इसके ग्राउंड फ्लोर की बात कर ली जाती है तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को डेडिकेट कर दिया गया मुख्तलिफ ब्रांच के लिए। यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी देखने को मिलेगा। थर्ड फ्लोर से ऑनवर्ड आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ इसकी थोड़ा सा मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊँ, जैसा कि आपको पता है कि रूफ टॉप गार्डन्स के नाम पर लेक सिटी के अंदर एक हाई राइज प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर उसको इसके साथ कंपेरिजन करूँ तो नाज़रीन उसकी लोकेशन वो एक सोसाइटी के अंदर है। वहाँ पर जो क्लाइंट है वो भी सोसाइटी का ही है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर आपके पास वॉकिंग क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके पास मेन डायमंड रोड की अप्रोच है। तो नाज़रीन यहाँ पर जो आपको रेजिडेंशियल ऑफर किया जा रहा है वो 14,500 पर स्क्वायर फीट, 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से आपको रेजिडेंशियल, आप कोई भी यूनिट बुक करवा सकते हैं, आप स्टूडियो बुक करवा सकते हैं, आप 1 बेड बुक करवा सकते हैं, 2 बेड बुक करवा सकते हैं, 3 बेड और यहाँ पर आपको 4 बेड की भी फैसिलिटी दी जाएगी। अगर कोई क्लाइंट अपनी क्यूरी पेश करता है कि उसको 4 बेड चाहिए तो उसको वो भी अकोमोडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के साथ साथ कमर्शियल शॉप्स भी देखने को मिल रही हैं।
बिल्डिंग है जिसकी ये बिल्डिंग बेसिकली थ्री साइड ओपन बिल्डिंग है। एक साइड से इसको मेन रेमंड रोड की अप्रोच है, दूसरी साइड से इसको जिना एवेन्यू जो कि कमर्शियल है अल्कबीट ऑन फेज टू का, और तीसरी साइड पे एक छोटी सी गली उन्होंने खुद छोड़ी है ताकि तमाम के तमाम जो रूम्स हैं वो हवादार हो सकें, तमाम के तमाम के अंदर इको फ्रेंडली माहौल हो, वहाँ पर जो सनलाइट है वो इजीली पहुँच सके। जो लोअर ग्राउंड है वहाँ पर जो इस टाइम शॉप्स हैं वो तमाम की तमाम सोल्ड आउट हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल थी। 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से इन्होंने जो प्री लॉन्च रेट थे वो लॉन्च किए थे, लेकिन यहाँ पर इस टाइम 22,000 जो है पर स्क्वायर फीट रेट है। रीसेल के अंदर कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेकिन उसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा ओन देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ आई थी इस जगह की, लोगों ने जिन लोगों ने एक अच्छे टाइम के अंदर इसको रिजर्व किया या बुक करवा के अपने पैसों को सेव कर लिया। ग्राउंड फ्लोर की बात कर ले तो वहां यहां पर आपको 50,000 to 56,000 पर स्क्वायर फीट यहां पर आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात कर लीजिए तो यहां पर आपको 29,000 पर स्क्वायर फीट रेट देखने को मिलता है। सेकंड फ्लोर की बात कर लीजिए तो नाज़रीन यहां पर आपको सेकंड फ्लोर पर 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट देखने को मिलता है। काफी इकोनॉमिकल रेट्स तो है लेकिन लोकेशन के बहुत आउट क्लास इसकी लोकेशन है। हर तरह से ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बेनिफिशियरी है। यहाँ पर अपने आप एसेट्स को महफूज बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपने आने वाले कल को संवार सकते हैं, यहाँ पर आपको तमाम की तमाम वो सहूलियात देखने को मिलती हैं जिनका सिर्फ तकाजा इंसान या तो ख्वाबों में कर सकता है या सिर्फ एक अब्रॉड की लाइफ में कर सकता है। यहाँ पर आपको 30+ एमिनिटीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आपको रूफटॉप गार्डन देखने को मिलता है, जिम, स्पा, सुहाना जकूजी, उसी के साथ साथ नाज़रीन आपको यहाँ पर इन्फिनिटी पूल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो नाज़रीन एक लग्जरी लाइफस्टाइल कम पैसों के अंदर आने वाले वक्तों में यहाँ ये रेट्स जो से आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात कर ली जाए तो नाज़रीन इस टाइम इसका जो 15 फुट तक इसकी जो डिगिंग खुदाई करनी थी बेसमेंट की वो उन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब उसका इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी पोरिंग का काम शुरू किया जाएगा, स्टील वर्क का काम की कंप्लीट किया जाएगा और आपको साइड पर जाकर गाहे बगाहे दिखाते भी रहेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कहां तक हो चुका है। नाज़रीन स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसीज एक अच्छा मौका है आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने का, एक अच्छा मौका है अपने एसेट्स को महफूज बनाने का, एक अच्छा मौका है अपने आने वाले कल को संवारने का, कल को सिर्फ ये सोचने के काश मैं उस वक्त भी एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेता, मेरे पास मौका था, पैसे थे लेकिन दिल नहीं माना। तो अपने दिल को समझाएं इस सोसाइटी, इसके बारे में खुद रिसर्च करें। मेरे से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है +92305177024। इसी के साथ अपने होस्ट इरशाद मकसूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।